आवाज शिक्षकों एवं नए और पुराने विद्यार्थी, इनके साथ बहुत दिनों का समय मेरा गुजरा, लेकिन कभी कंफ्लिक्ट नहीं, दोनों में कभी कंट्राडिक्शन नहीं। जबकि फिजिक्स में कहते हैं एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, हमको कभी कभी लगता था कि ये नॉर्थ पोल है और हम साउथ, लेकिन हम लोग मैं रिटायर करने के बाद इनके साथ ऐसा जुड़ गया कि कभी अलग होने की इच्छा ही नहीं हुई कि मैंने अपने ही श्रेणी में इनको खींच लाया। और कहना यही है इस लाइफ में जीने की कि आप सबसे मिलते रहिए जुलते रहिए, सोचिए ही नहीं कि मैंने कुछ कहा। आप एक जवाबदेही से मुक्त हुए हैं, लेकिन जो दूसरी जवाबदेही ही है ये है कि हम संसार में कितना खुश रहते हैं, और खुश रहने के लिए आप अपने हंसते रहिए दूसरे को हंसाते हैं। और विद्यार्थी इनसे सीखिए, ये ड्यूटीफुल ड्यूटीफुल होना तरक्की का कारण होता है, प्रगति का कारण होता है। और आप सीखिए, सभी लोगों ने सभी कुछ कर दिया, लेकिन जो बोला गया कि अपने समय पर आना, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना और समय पर कार्य को पूरा करना, यहाँ तक कि अगर कार्य बच जाता था तो ये घर पर ले जाकर अपना कार्य पूरा करते थे। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी का काम है, हम यूनिवर्सिटी में ही बैठ के करें। आदमी की कमी है, धीरे धीरे छीन होते जा रहे हैं, शिक्षक है काम। ये चीज आपको सीखना होगा अपने लाइफ में पढ़ने के प्रति। लेकिन आप तो वही सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एक छोटी सी कविता में है ना, पहले रमेश यार होते थे, अब टीचर रंगीले होते हैं, इनकी पढ़ाई से आप लाल किले क्यों होते हैं, इनकी पढ़ाई से आप लाल किले क्यों होते हैं। सर छोड़िए, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, नोट्स भेज दीजिए, हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। चाहिए कल आपके बच्चे अगर पूछेंगे तो आपको शर्म आएगी। इसलिए इनसे सीखिए कि ये घर के काम से ज्यादा प्रायोरिटी ये डिपार्टमेंट के काम की देते थे। अभी आपके पढ़ने की उम्र है, इनसे सीख करके आप कहिए कि पहले पढ़िए, अदरवाइज आपके आपको सफलता इनका अनुकरण, आप इनको अगर रेस्पेक्ट देना है तो सबसे बेस्ट रेस्पेक्ट वही है कि आप इनके बताए गए पढ़ाई के रास्तों को पर अग्रसित हो, अदरवाइज आप इनको तो ये करके विदा विदा कहाँ हो रहे हैं, अपने कार्य से वंचित हुए हैं, जो रूटीन वर्क का काम है। लेकिन शिक्षक बोला, विद्यार्थी बोला, शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, हमारे धर्म ग्रंथ में ये है कभी रिटायर्ड नहीं। और सबसे बड़ी चीज यही है, जब भी शिक्षक के पास आप जाएंगे तो आप नतमस्तक होकर के जाएंगे, और वही जले हुए लाल पीले हुए विद्यार्थी अगर कभी बोलता है चला गया तो पीछे है, कुछ ऐसे भी हैं जो चला गया तो ठीक है, बहुत जबरदस्ती हमको बैठा के चार बैठा रखते हैं। ये विदाई पर ये नहीं है, विदाई पर ये त्याग है कि आप इनके बताए हुए अच्छे चीजों का अनुसरण करें, तभी आप इनकी सच्ची विदाई आप दे सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और वैसे तो मैं तो ये जोड़ रहा हूँ कि मेरी संख्या बड़ी है, मैं बालोपाध्याय जी को भी ये कह रहा हूँ कि बस जहाँ खड़े रहिए, हंसते रहिए, पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि बैक गियर में जब भी गाड़ी चलती है तो पीछे जाती है, आगे नहीं। बीती ताही पिसार दे, बीती ताही पिसार दे, आगे की सुध ले। अगर जहां बैक गियर में आप गाड़ी चलाएंगे तभी आगे नहीं जाएंगे।
इसलिए आप आज भी सफल हो सकते हैं अगर इनके पद चिन्हों पर आप चलिए कि ये मुझे करना है, हम ये पहले करेंगे उसके बाद कोई काम करेगा। बाकी सब लोग इनके बारे में बता ही दिए, दिलीप जी ने भी बता दिया, विद्यार्थी ने भी बता दिया है ना। जैसे मेरा ही गोंडल का क्रिकेट, अरे आ गया बोलते जा रहा है और पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। मैं पीठ पर हाथ रख के कहा, अच्छा क्रिकेट कर लेते हो सर, माफ कीजिएगा सर। ये सब परिस्थितियाँ आती है शिक्षक के बीच में, लेकिन उसका कुछ काम मतलब नहीं है, विद्यार्थी के साथ सही है, सही बात, हंसते रहिए विद्यार्थी। लेकिन शिक्षक को फेयर वे विदाई तभी आप दे सकते हैं जबकि इनके चिन्हों पर जो अच्छे है कर्तव्य प्रायण होना। तो कर्तव्य प्रायण आपको क्या है, आपकी पढ़ाई है, आप कीजिए। और आने वाले जो इनके श्रेणी में जो शिक्षक होंगे वो भी यही सोच रहे हैं कि खुश रहना एक कला है, और खुश रहिए आजीवन खुश रहिए और हंसते रहिए। हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।